नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, आप सदन भाई एक और जो है बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हाँ, क्योंकि बहुत से साथी जो है मैसेज देखने मिले थे और बार बार पूछ भी रहे थे कि सर हमें जो है हमारा DDO जो है जानकारी नहीं देता और पोर्टल के ऊपर जो है क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड करवाए गए हैं और हमारे फ़ायदेमंद जो है कौन से ऑप्शन हैं उनका बारे में भी जानकारी दीजिए। तो वह आप साथियों लगा जो है जानकारी ले आए हाँ कि जैसे कोई भी डिपार्टमेंट का DDO उनको सभी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा एक एक अधिकारी नियुक्त किया गया है डिपार्टमेंट वाइज, जिसको जो है DDO बोलने का काम किया गया है और उनको जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अपनी एक ID प्रोवाइड करवा रखी है, जिसके तहत जितने भी कर्मचारी उसके पास में रखे हुए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड जो है यहाँ पर होता है। तो सारी बातें रखेंगे, वह कौन सा जो है ऑप्शन से आप साथियों का जो है कौन सा काम होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, वह 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ये बजट से रिलेटेड है, ये डिपार्टमेंट के लिए हैं बस साथियों, आपका इनसे कोई भी काम नहीं है। दूसरी चीज़ है साथियों, वह आपका हो जाता है यहाँ से शुरू, वह पोर्ट एग्जिस्टिंग मैन पावर, यानी कि वह जो भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर भाई मान लो पहले किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर लग रहा है ठेकेदारी प्रथा से और उनकी जॉब मांग करी जाओगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कराया जाओ, तो ये वाला ऑप्शन है साथियों, इससे उस मैन पावर को जो है पोर्ट करने की रिक्वेस्ट HKRN को भेजी जाओ है, फिर HKRN जो है उसकी अप्रूवल देने का काम करा है। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन के तहत जो उन साथियों को जॉब मिल रही है, जो 1,00,000+ जो कैंडिडेट बता रहे हैं वो इस ऑप्शन के तहत जो है उनको नौकरी मिली है साथियों। उसके बाद में साथियों आ जाता है आपका वेरीफाई एक्सपीरियंस का ऑप्शन है भाई, ये वाला वो ऑप्शन है जो साथी मान लो कि पहले किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम किया था और फिर जॉब छोड़ दी और उसके पास में एक्सपीरियंस था उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, उसने जो है उस DDO को जो है सेलेक्ट करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो वो यहाँ पे जो भी इस DDO के पास में आ जाओगी और यहाँ पे दिखा होगा वेरीफाई एक्सपीरियंस, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिखा देगा और उसकी पूरी लिस्ट दिखा होगा भाई, इस कैंडिडेट ने जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करी है कि उसने यहाँ पे काम कर रखा था, वो उसका एक्सपीरियंस की जो है यहाँ पे कलेक्ट करेगा, तो पूरी डिटेल के साथ में उसका एक्सपीरियंस को वेरीफाई करने का काम करे। उससे आगे आ जाता साथियों वह न्यू कैंडिडेट ज्वाइनिंग, यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट जॉब है जैसे कोई भी कैंडिडेट की जो है मांग करता है तो यहाँ से जॉब भेजने का काम कर सका है कि उसको जॉब इस मैन पावर की ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग कैंडिडेट ज्वाइनिंग, यानी कि वह जो भी कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट होके जावा है उसका ऑफर लेटर वगैरह जो उस साथी के यहाँ पे दिखाने का काम कर दिया जावा है। ऑल एम्प्लॉय की लिस्ट, यानी कि वह डिपार्टमेंट के अंदर जो है कितने कर्मचारी रखे हुए हैं उस DDO के अंडर में, उन कर्मचारियों की जो है यहाँ पे लिस्ट दिखाने का काम कर देगा और यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की जो है डिटेल दिखा होगा, यहाँ से रिक्वेस्ट आपकी जावा है और यहाँ पर आप साथियों को दिखा देगा वह कितने जो है कितने का कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग रह रहा है और रिन्यूअल नहीं होया, उनकी पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे मिल जाओगे। उसके बाद में ऑप्शन आ जाता है साथियों इनवॉइस एंड अटेंडेंस का, बस जितने भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लग रहे हैं और उनकी प्रत्येक महीना जो है भाई इनवॉइस भी जनरेट हुआ है और अटेंडेंस भी जाओ है और EPF ESI का भी मैटर रहा है, तो वह साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर आप साथियों जो इनवॉइस जनरेट करी जावा है सभी के अटेंडेंस यहाँ पर अपलोड हुए हैं, प्रत्येक महीने की फिर इनवॉइस जनरेट होगा और यहीं पे ऑप्शन है आपका EPF का और आपके ESI का, बस जो है यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको EPF और ESI का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल भरी जावा है और अगर उनका नया अगर नंबर जनरेट करवाना है तो DDO जो है रिक्वेस्ट दे देगा यहाँ से, और अगर ऑलरेडी उनके पास में है तो उनका नंबर भी यहाँ पर जो है भाई ऐड करने का काम कर दिया जावा है, जिससे जो है रिक्वेस्ट HKRN के अंदर चली जाओ है। उसके बाद में साथियों आपका जाता है भाई मैटरनिटी लीव का रिक्वेस्ट का ऑप्शन, ये भी जो है बहुत से साथी पूछ रहे थे, तो ये देख लीजिए भाई जो भी महिला है तो उन कर्मचारियों को 6 महीने की जो है मैटरनिटी लीव देने का काम किया जावा है, तो वो जो है इसका बेनिफिट उठवा सको और यहाँ पर रिक्वेस्ट लगा है, डॉक्टर की रिपोर्ट लगेगी और अपने डिपार्टमेंट की जो भी एक अप्रूवल लगानी पड़ेगी साथ में नोटिंग की और फिर वो जो है HKRN को सेंड हो जाओगे। डाउनलोड सैलरी स्लिप, बस जितने भी साथी जो हैं HKRN से लग रहे हैं उनकी सैलरी स्लिप का ऑप्शन यहाँ पे है भाई, प्रत्येक महीने की सैलरी स्लिप यहाँ से निकलवा सका है। उसके बाद में साथियों भाई जो पोर्टेड मैन पावर ऑफर स्टेटस देखना है भाई, जो भी मैन पावर जो है पोर्ट करी गई है उसका ऑफर लेटर जो भी है उसका स्टेटस क्या है, तो वो जो है भाई यहाँ पर देख सका है।
अगर कोई ग्रेवेंस लगाना चाहो DDO तो यहाँ से लग जाती। डाउनलोड मैन पावर ID कार्ड, जो हमने आपको पीछे एक वीडियो में माध्यम से जानकारी दी थी भाई, आपको एक ID कार्ड भी दिया जावा HKRN की तरफ से, वो यहाँ से डाउनलोड होता है, डाउनलोड मैन पावर ID कार्ड। उससे आगे भाई डाउनलोड एक्सप्रेस सर्टिफिकेट, ये वाला है भाई, जहाँ अगर कोई भी साथी लग रहा है उसको एक्सप्रेस की ज़रूरत है, वो जॉब भी छोड़ देता तो भी निकलवा सका है, करंटली जॉब करते करते भी जॉब साथी निकलवा सका है, डाउनलोड एक्सप्रेस सर्टिफिकेट का ऑप्शन ये है। उससे आगे भाई एरियर पेमेंट, यानी कि अगर कोई भी लाभ उसको देना चाहो भाई डिपार्टमेंट, अगर मान लो उसका TA है तो उस साथी को जो है मिलने का काम यहाँ से होता है, जो उसका ट्रेवल अलाउंस है वो यहाँ से जो है क्लेम करके डिपार्टमेंट जो आगे भेज सका है और उसको पैसे दे सका। उससे आगे है भाई आपका एक अपलोड एम्प्लॉय इमेज, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी जो है फ़ोटो अपलोड करने का ये ऑप्शन दे रखा है, नया ऑप्शन ये डालने का काम किया गया था। तो इस प्रकार से वह जो है DDO लॉगिन पोर्टल ID के ऊपर इतने ऑप्शन प्रोवाइड करवा रखे हैं, जिससे आप साथियों को जो भाई इतने फ़ायदे हुए हैं, ये चीज़ आप जो है DDO से प्राप्त कर सकते हो। तो आप सत्य यही ताज़ा जानकारी लेके आए थे, क्योंकि बहुत से साथी हैं जो है मैसेज देखने में मिले थे कि सर किस प्रकार से जो है DDO लॉगिन पोर्टल ID के ऊपर ऑप्शन होते हैं और क्या क्या जो है हमारे फ़ायदेमंद ऑप्शन हैं। तो इससे आप साथियों को जो है क्लियर हो चुका होगा कि इतनी जानकारी जो है आप साथियों को जो है DDO के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाने का काम कराया जा रहा है, क्योंकि कई DDO जो है जानकारी नहीं देते अपने इंप्लॉय को, तो इसलिए आप साथियों लोग जो है अपने चैनल के माध्यम से हर एक बार जानकारी पहुंचाने का काम कराया जा रहा है। तो आप सदन यही ताज़ा जानकारी लेके आए थे, आप सदन वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।